मछली मारने से मना करने पर नाबालिग की कोई 5 माह पहले पटक पटक कर हत्या कर दी गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्यारे सुपाई चंपिया को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुपाई गुवा थाना इलाके का रहने वाला है। घटना इसी वर्ष 23 अप्रैल की है। दर्ज मामले के अनुसार लक्ष्मण चापिया और मुंगा चापिया नहाने के लिए कारो नदी गए थे। जब नहाकर लौट रहे थे तो सुपाई चापिया ने 2 बच्चों को करंट का तार पकड़ने में मदद करने के लिए कहा। दोनों काफी डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में 8 साल के लक्ष्मण चापिया को सुपाई चापिया ने दौड़ा कर पकड़ लिया और नदी के सामने लाकर पटक पटक कर हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। मुंगा चापिया इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। उसी ने परिजनों को जानकारी दी और फिर शव बरामद कर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।